वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार। आज एक टॉक होगा अबाउट डायमंड कॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली आई वाज गोइंग ऑन दिस डायमंड कॉमिक्स का कलेक्शन क्रेज़। तो डायमंड कॉमिक्स की इंग्लिश बुक्स का मेरे को स्पेशली क्रेज़ है। इसके कई रीजंस हैं। एक तो मुझे जो उसके ट्रांसलेशंस होते हैं उसी में काफ़ी कॉमेडी लगती है। इट्स जस्ट लाइक हम किसी और लैंग्वेज की फिल्म देखते हैं, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में, तो अलग ही मज़ा आता है। सम थिंग्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, और कभी कभी वो बहुत फनी हो जाता है। तो दैट्स व्हाट होता है ये बुक्स के साथ। तो इसमें मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो दिस इज़ लाइक अ नाउ रीडिंग काइंड ऑफ अपडेट ऑन लंबू मोटू की बुक। इसमें मैंने दो बुक पढ़ी हैं जिनकी मैं बात करूँगा, लंबू मोटू एंड वन करोड़ बुलेट और एनिमल बॉम्ब। तो एक और बात है, लंबू मोटू की सारी बुक्स में बहुत अलग अलग टाइप का आर्ट होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें, एंड कभी कभी आर्ट इज़ लाइक अ लिटिल फ्रेंडली टू द रीडर, कभी कभी नहीं होता है। तो मैं वही वाली बुक्स उठाता हूँ जिसमें ईजी रहता है, मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, और मतलब इट लुक्स ईजी ऑन दी आई। तो ये बुक का मेन प्लॉट एक्चुअली चाइनीज़ दिस होल एस्पियोनाज। तो एक कोई चाइनीज़ स्पाई ऑपरेशन चलता है जिसमें देर इज लॉट ऑफ चाइनीज़ के डिटेक्टिव, और एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो जाता है, और उसमें हु कम्स टू सेव बट लंबू मोटू। एंड इट माइट साउंड फनी, बट इसमें काफ़ी मज़े भी आते हैं। इसमें कॉमेडी भी होती है, और एक रियली आपको प्लॉट के अंदर ले जाती है ये बुक्स। मुझे नहीं पता ये और क्यों नहीं आती लंबू मोटू की बुक्स पर, अभी तो खैर शायद ही आएंगी, पर दीज आर लाइक ग्रेट फन। बहुत ही मज़ेदार है ये बुक्स। और इसमें अभी तो ये सब दिखा नहीं सकते, बट पहले काफ़ी रेसिस टाइप का स्टफ इसमें रहता है, चाइनीज यू नो अटैकर्स एंड ऑल दैट। बहुत ही मज़ेदार इसमें आर्ट है। आई थिंक इवन किड्स कैन एन्जॉय इट, एंड एज एडल्ट्स इफ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ पुरानी स्टाइल की कॉमिक बुक्स, यू कैन एन्जॉय देम। बहुत ही मज़ेदार बुक्स होती हैं, और ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपको पूरे 40-50 पेज का एंटरटेनमेंट मिलता है, 48 पेजेस। फिर दूसरी बुक पे आते हैं, लंबू मोटू एंड एनिमल बॉम्ब। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ये एनिमल बॉम्ब क्या है, और इसका आर्ट ऐसा आप देख सकते हैं डिफरेंट है। हर बुक का आर्ट अलग ही होता है, आर्ट और स्टोरी भी कभी कभी अलग होती है। स्टोरी में कुछ कॉमन थीम्स रहती हैं, लंबू मोटू अपनी कुछ जोक्स मारते रहते हैं, और वो यू कैन ऑलमोस्ट फील कि इसका हिंदी का एक कोई सेइंग है, और उसका ये इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो फनी। तो इसका प्लॉट जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एनिमल बॉम्ब, एक टेररिस्ट का ग्रुप होता है, वो किटन्स या डॉग्स को मॉल्स में प्लेस कर देता है, और वहाँ पे बॉम्ब पड़ते हैं, और लंबू मोटू एक एम्बेसी में होते हैं, और किस तरह से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह ड्रेसअप होके, और ये सारे रैकेट को धीरे धीरे बस्ट करते हैं। ये काफ़ी बैक एंड फोर्थ इसमें स्टोरी होती है, और काफ़ी मज़ा आता है। इसमें आपको काफ़ी गैजेट्स देखने को मिलेंगे, इनमें मोबाइल फ़ोन और ये वीडियो कैमरा होता है। तो आई थिंक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था ये, और इसमें भी वही है, नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग। आई थिंक बहुत ज़्यादा डायमंड कॉमिक्स को ये सारी थीम्स होती हैं इसमें, नेबरिंग कंट्रीज़ बींग अ थ्रेट। अभी आगे पढ़ूंगा मैं बॉर्डर फ्लेम्स। ये थोड़ा मुझे इसका आर्ट थोड़ा सा टफ लगा, ऐसे ही वो लंबू मोटू की ड्रैकुला सीरीज में भी एक दो बुक्स थी इसमें बहुत ही ये इस टाइप का आर्ट था, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है रीडिंग में, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है एक्चुअली। तो आर्ट विजय पंडित। फिर एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, इसमें भी वैसा ही आर्ट है, जुगल किशोर। जैसे आप देख सकते हैं बहुत आर्मी टाइप की थीम है इसमें, पर्सनली नॉट माय फेवरेट थीम, मुझे थोड़ा चैलेंजिंग ही लगता है ये वाले पढ़ना। इसमें आप देखें काफ़ी बिजी और क्लटर्ड भी है पेजेस। फिर एक है लंबू मोटू एंड कैनिबल ट्री, इसकी थोड़ी हालत ख़राब है, पुरानी टाइप की बुक है ये, मुझे लग रहा है अच्छी लगेगी, मुझे इसका आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासिक थोड़ा डीसी मार्वल जैसा आर्ट लग रहा है इसमें। इसमें किसका आर्ट है, इलस्ट्रेशन आदिल खान, अरे वाह, तो आदिल खान जी का क्लासिक आर्ट है, तब इसीलिए ये इतना अच्छा है।
ये अग्निपुत्र अभय में भी इनका आर्ट था, लंबू मोटू एंड द ट्रेटर। ये देखते हैं किसका आर्ट है, ये इसमें फॉन्ट थोड़ा बहुत ही वियर्ड है, ये वो मिनी कॉमिक्स आती थी वैसा फॉन्ट लग रहा है। अरे वाह, एक स्टिकर भी मिला, ये तो बोनस बोनेंजा हुआ, इसे कहते हैं सरप्राइज। तो इसमें किसका आर्ट है, अजीत वसाईकर। तो ये डिफरेंट आर्टिस्ट हैं इसमें, आर्ट काफ़ी क्लीन है इसका, नथिंग बैड अबाउट इट। ये पुराना एड है, तो आई गेट टू दिस बुक ऑल्सो। तो यही बात है छोटी लंबू मोटू के करंट रीडिंग अपडेट के बारे में। रियली इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत बचपन वापस आने वाला जैसी बुक्स होती हैं ये। एंड कितना इसकी तारीफ करूँ, ऐसी बुक्स और आनी चाहिए। पता नहीं कितने वॉल्यूम्स हैं लंबू मोटू के, बट जिस तरह से राम रहीम की पुरानी बुक्स आ रही हैं कॉमिक्स इंडिया से, अगर इनकी भी आए तो मज़ा ही आ जाए। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।